गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप मैथ क्लास में सबसे पहले नंबर सीखेंगे बेटा। इससे पहले मैंने आपको और 1 से 5 नंबर बताए हैं, आज आप फिर से उसी का रिवीजन करेंगे। और सारे बच्चे नोटबुक कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला नंबर हमारा आता है 1, O-N-E 1। तो सबसे पहले 1 नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, स्लैंडिंग लाइन, और ये नीचे से हम स्लीपिंग लाइन बनाते हैं। ये हमारा नंबर बन गया 1, O-N-E 1। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है बेटा 2, T-W-O 2। 2 बनाने के लिए स्लैंडिंग लाइन से, ये देखिए कर्व से हम इसे बनाते हैं और ये स्लीपिंग लाइन से इसे इंड करते हैं। ये हमारा नंबर हो गया 2। इसे बोलते हैं नंबर हमारा 2, T-W-O 2। यहाँ पे देखिए कैंडल कितनी बनी हुई है, 1 2। इसे आपको काउंट करना है 1 2। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर आता है 3। तो हमारा 3 नंबर देखिए T-H-R-E-E 3। स्पेलिंग इसकी क्या होती है, ये नंबर्स नेम क्या होता है 3 का, T-H-R-E-E 3। 1 2 3। अब यहाँ देखते हैं कैसे बनाते हैं 3। सबसे पहले ऐसे ही बनाते हैं, ये देखिए कर्व से, और फिर सेकंड कर्व बनाते हैं। ये हमारा हो गया नंबर 3। 3 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 4, F-O-U-R 4। ये हम स्लैंडिंग लाइन खींचते हैं, इसके बाद स्लीपिंग लाइन 1, स्टैंडिंग लाइन। ये हमारा नंबर हो गया 4, F-O-U-R 4, F-O-U-R 4। 1 2 3 4। यहाँ पे कितने फ्लावर हैं, 4। हाउ मैनी फ्लावर, 1 2 3 4। इसे आपको काउंट करना है और जैसे हम यहाँ नंबर बता रहे हैं आपको वैसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 5। यहाँ पे देखते हैं लिप्स हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5। आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, F-I-V 5। तो 5 बनाने के लिए स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व से इसे ऐसे बनाते हैं। ये हमारा हो गया नंबर 5, F-I-V-E 5। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर आता है 6, 6, 1 2 3 4 5 6, S-I-X 6। तो 6 नंबर हम बनाते हैं कैसे, देखिए बेटा ये ऐसे ले जाते हैं और यहाँ पे ऐसे इसका इंड कर देते हैं, S-I-X 6। ये हमारा नंबर हो गया 6 और इसकी स्पेलिंग S-I-X 6। इसको अच्छे से बेटा आपको रीड करना है, लर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 7, ये स्लीपिंग लाइन, फिर हम देन स्लैंडिंग लाइन, ये बनाते हैं 7, S-E-V-E-N 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हमारे देखिए ट्री कितने हैं 7। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 8। तो 8 बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं, इसके बाद सेकंड उसी के ऊपर एक सर्किल और बनाते हैं। ये हमारा हो गया नंबर 8, E-I-G-H-T 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे बैलून कितने हैं 8। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 9, ये हम स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं और ये कर्व से इसे इंड करते हैं। ये हमारा हो गया नंबर N-I-N-E 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा यहाँ पे देखते हैं हमारे कितने स्टार हैं 9। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 10, 10 बनाने के लिए हम ये देखिए ये हम स्लैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये हमारा आते हैं 0। सबसे पहला हमने आपको सर्किल पैटर्न राइटिंग में सेट सर्किल बताया था, उसी तरीके से आपको ये सर्किल बनाना है। ये हमारा हो गया ये नंबर 10, T-E-N 10। यहाँ देखते हैं हम कितनी पेंसिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इसे काउंट करना है और हमें इसके बाद स्पेलिंग लर्न करना है, T-E-N 10।
ये हमारा नंबर हो गया 10। इसको आपको अच्छे से बेटा रीड करना है और राइट करना है अपनी नोटबुक कॉपी में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके नंबर्स 10 हो गए। आपको इसको अच्छे से बेटा रीड करना है और राइट करना है और अपनी नोटबुक में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा स्टार्ट होता है? 0। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 1, ONE 1, TWO 2, THRE 3, FOUR 4, FID 5। ये देखिए, इसके बाद SIX 6, SEVEN 7, EIGST 8, NINE 9, TEN 10। ये आपके नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको इसे अच्छे से बेटा अपनी नोटबुक में करना है और एक्टिविटी बुक में भी आपको रेगुलर 2-2 पेज वर्क करना है। थैंक यू क्लास।